जब भी इलेक्शन का मामला और इंतखाब का, कम से कम अपना वोट तो सही हक अदा करें। वोट भी अमानत है। एक ऐसा तबका है जो वोट देने के लिए तैयार नहीं, छोड़ें यार, ये भी गलत है। और एक वो तबका है जो सिर्फ दुनियावी नारोही की बुनियाद पर अब तक अपने वोट को कास्ट कर रहा है। मैंने कहा अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मुहर्रम गुजरा है, यजीद ने इमाम हुसैन से वोट ही मांगा था पढ़ने किताब कि मेरी आप हिमायत कर दो, बाकी जो चाहो ले लो। हुसैन ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, गर्दन तो दे सकता हूँ, बच्चे तो कटा सकता हूँ, दो नंबर आदमी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नज़रिए की बुनियाद पर इमाम हुसैन खड़े रहे। कहते अरे यार क्या फ़ायदा, वोट ज़ाया हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, जिसने हुजूर की खातिर दीन की खातिर वोट दिया उसका वोट तो काम आएगा, वो मीज़ान पे भी इंशाल्लाह तोला जाएगा। जो हुजूर के दीन की खातिर, आप कम अज़ कम इंतखाब तो अच्छा कर सकते हैं कि अगर हम हुजूर की खातिर, दीन मुस्तफ़ा की खातिर हम अपना वोट इस्तेमाल करें, जब भी ऐसा मौका है कम अज़ कम राय देने के लिए ज़रूर निकलें। अरे वो डब्बे बदल देते हैं, अरे वो ये हो जाता है, भाई इन बातों को छोड़ें, कब तक रोकेंगे? आप अपना किरदार अदा करें, नेगेटिव बातों से पीछे हटें, पॉजिटिव किरदार अदा करें, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी बिल्डिंग की सतह पर, अपने मोहल्ले की सतह पर, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं ज़रूर काम करें। इंशाल्लाह ये मुल्क की दुआ आपके साथ है, रसूलुल्लाह की नज़र मिलेगी, क्योंकि हुजूर की नज़र करम से मुल्क मिला है। आज भी मदीने वाले की नज़र है तो हम चल रहे हैं, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को ख़त्म करने में, और दुश्मन इस मुल्क को मिटाने के लिए सब कोशिशें कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सब मिट जाएंगे, कयामत तक ये मुल्क इंशाल्लाह सलामत रहेगा। इंशाल्लाह हुजूर की नज़र करम से किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी बातों से आप मुत्तफिक होते हैं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, आज से इस पर हमें अमल करना है इंशाल्लाह।